डेली हम लोग इसके दुकान पे बैठते थे। ये कुछ पिछले 10-15 दिन से काली का पूजा करता, जो कि उनके गांव वाला को घर वाला को विश्वास नहीं होता है जो काली आज के डेट में लोगों को कुछ करता है। इस व्यक्ति को विश्वास था इतना जो हमको काली कुछ दे देगा। रात में पूजा किया, परवट किया, अपने हाथ को काट के काली के आगे में रख दिया। अब डाली में जो है वही है पूरा, सब खून छे, सब खून है। के दलके ही महावीर यही घर बनाते जाहि, वहां तो व्यास काट लगे। हां के काट लके अपने साथ लगे पूरे से। हां पूरे से यहां पर बैठा इस समय जो है यहां बैठ के पूजा पाठ किया। मारम की हम देखा देई वीडियो कैसे फिट भए रहल है। ओ बच्चा कहाँ ले गई हॉस्पिटल में बाजे बुके छा। हां देखो इधर से, अरे देखबे हमरा के खाली हमरा आवाज नहीं है तो केप भए जे छी बात दिक्कत है लगा के हमरा आवाज। हां बोलना नहीं छ फिर तब आज नहीं बोलबे हमरा के निकल जेबे तब ले लो। युग और उपभोक्तावादी युग में इंसान को जब अपने लाचारी को से निपटने के लिए कोई चारा नहीं रहता है तो वो अंततः समझते हैं कि वो ईश्वर के अनुकंपा से उस दिक्कत से पार पड़ जाएंगे। यहाँ इस चीज़ की चरम सीमा है जब अपने दुखों को दूर करने के लिए लोग अपने अंग को अब इस कष्ट के साथ एक काली माँ के चरण में चढ़ा दिए हैं। अब इससे उनका दुख का अंत होगा या दुख बढ़ेगा ये तो इलाज करने वाले डॉक्टर और इनके परिवार के लोग ही कह पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज से ऐसी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और हमें मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि इस तरह से अंधविश्वास से हमें मुक्ति मिले।